हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88 पे। दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो दोस्तों अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एवं सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए जिससे कि आपको इससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0। अब इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, जो 3.4 में जो अपने को लिखा गया है बाय द एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि इस प्रकार क्वेश्चन है इसे लिख लेंगे 3x - 5y - 4 = 0, इस प्रकार लिखा है दोस्तों। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें एबीसीडी नहीं लगा है वो नंबर को राइट साइड में लेना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी पहले से राइट साइड में है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट लेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट साइड में है, इसको राइट में भेजेंगे। क्या करना होगा दोस्तों, 3x - 5y = a-, तो इधर आकर के प्लस 4 बन जाएगा, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब जरा चलेंगे सेकंड क्वेश्चन, 9x = 2y + 7, इस प्रकार क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले इक्वेशन तभी इक्वेशन फॉर्म में होगा जब दोनों वेरिएबल एक साइड होगा, यानी x के साथ y होगा और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में होगा, तभी हम इक्वेशन इसे बोल सकते हैं। तभी ये इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन दोनों वेरिएबल को एक साथ करेंगे तब इक्वेशन बनेगा। तो देखिए 9x ए प्लस है दोस्तों, इधर आकर क्या बन जाएगा माइनस, और इक्वल टू 7 अपने जगह पे राइट साइड में ही रह गया, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा और इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया दोस्तों। अब मुझे इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, बाय द एलिमिनेशन मेथड। 3.4 की बात करें तो कौन सा मेथड है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, जरा समझिए एलिमिनेशन मेथड कहता क्या है। एलिमिनेशन मेथड में दो कंडीशन को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। कौन सा कंडीशन, ए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन का वेरिएबल के वेरिएबल जो है वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको मैच करना होगा, यानी एक्स देखिए इसमें भी है एक्स इसमें भी है, ये दोनों का नंबर देखिए तो ये 3 है और ये कितना है 9 है, यानी दोनों कंडीशन में दोनों इक्वल नहीं है। तो एक्स वाला इक्वल नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तो जी नहीं, आपको वाई में भी देखना होगा। तो इसका 5 है और इसका y का 2 है, ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ना तो x का इक्वल है ना तो y का इक्वल है। अब अपने को क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में अगर x का भी इक्वल ना हो y का भी इक्वल ना हो तो क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखना होगा, मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई जरा समझिएगा, ये इक्वेशन सेकंड का फर्स्ट यानी x के वेरिएबल से हम कर रहे हैं, x का x वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उससे कर रहे हैं 9 से, तो इसमें कितना से करेंगे 3 से। ये ध्यान रहे दोस्तों कि अगर x वाले का कोएफिशिएंट लिए हैं यहां तो यहां भी x वाले का ही कोएफिशिएंट लेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें x वाले का कोएफिशिएंट और इसमें y वाले का, रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो जरा ध्यान दीजिए, अब मुझे लिखना होगा स्टेटमेंट मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाय, फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों 9 से, एंड इक्वेशन सेकंड बाय, इक्वेशन सेकंड में किससे कर रहे हैं तो 3 से, इस प्रकार से हमने लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, 9 3 जा कितना होता दोस्तों तो 27, एक्स है तो एक्स, माइनस तो माइनस, 9 5 जब 45, y है तो y हो जाएगा दोस्तों, और इक्वल टू 9 4 जब 36, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और इसे क्या करना है अपने को, इक्वेशन फर्स्ट लेट, फर्स्ट तो है दोस्तों, इसे इक्वेशन थर्ड लेट करना है। अब जरा देखते हैं 3 से 3 9 जाए 27x, और उसके बाद
माइनस 3 × 6y इक्वल टू कितना होगा 3 × 7 = 21 इक्वेशन नंबर 4 तैयार हुआ। दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, तो जो नया इक्वेशन बना ना वो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ होगा। अब मुझे क्या करना है, देखिए आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं कि x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, नंबर है, वो मैच कर रहा है, और मैच करेगा तभी ये आगे बनने वाला है, या x का मैच करे या तो y का, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए अब मुझे करना क्या है दोस्तों, देखिए आप बस सिंपल बात है कि सब्ट्रैक्टिंग करना है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, यानी कि थर्ड में से फोर्थ को घटाने पर, आप चाहो तो फोर्थ में से भी थर्ड घटा सकते हैं, यहां लिखना होगा थर्ड फ्रॉम फोर्थ, इस प्रकार से लिखना होगा। तो जरा समझिएगा अपने को क्या करना है, फोर्थ अपने को थर्ड में से फोर्थ को घटाना है, तो पहले थर्ड इक्वेशन लिखना होगा 27x माइनस 45y इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 36, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, क्योंकि थर्ड में से फोर घटा रहे, तो पहले थर्ड बाद में फोर। फोर्थ नंबर लिख लीजिए 27x माइनस 6y और उसके बाद है दोस्तों इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर फोर, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता, साइन को चेंज करना। साइन कैसे चेंज होता है, नीचे से। तो देखिएगा ये प्लस है तो क्या बनेगा दोस्तों, माइनस। ये माइनस है तो प्लस। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि माइनस माइनस प्लस लिखे हैं, हमें ऊपर वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, नीचे का साइन देखना है। माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस है, अरे क्या बन गया, माइनस। जब भी साइन चेंज करेंगे तो इसको सर्कल कर देंगे पहले वाले साइन को। चलिए अब इस साइन की कोई वैल्यू नहीं रह गई, ये प्लस में है और इसको सर्कल ले करना है दोस्तों, सर्कल ये वाला करना है। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस कभी भी घटता है। जब देखना है कि नंबर सेम है, वेरिएबल सेम है, तो सीधा कैंसिल कर देंगे। कैंसिल हो गया दोस्तों, अब ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, लेकिन साइन किसका पड़ेगा, कभी भी कोई नंबर घटता है तो साइन बड़े नंबर का होता है, तो घटा दीजिए 45 में से 6 घटेगा तो 39y होगा, और साइन किसका पड़ेगा, जो नंबर बड़ा है, बड़ा कौन है 6 या 45, तो 45, तो 45 का साइन क्या होगा दोस्तों, माइनस। इक्वल टू इधर की बात करें तो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो यहाँ पे घटेगा, तो कितना बचेगा 15 बचेगा। उसके बाद देखना है साइन किसका पड़ेगा दोस्तों, जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा कौन है 36, तो 36 के पहले क्या है, कुछ नहीं, तो ये प्लस है, प्लस देना है, प्लस दे दीजिए। चलिए y इक्वल टू 15 अपॉन कितना हो जाएगा 39, माइनस है तो माइनस रह जाएगा। चलिए क्या करना है, आपका चाहो तो कोई वैसा टेबल जिसमें दोनों आता है, तो तीन का टेबल, तीन का में 5 बार में और तीन का में 13 बार में, तो कहा जाए तो कितना आ गया दोस्तों, माइनस 5/13। माइनस नीचे लगाइए या ऊपर लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस 5/13 ने किसकी वैल्यू आ गई, y की दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, यहाँ y रहेगा तो y लिखिएगा, अगर यहाँ x रहेगा तो x लिखिएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं दोस्तों, आप चाहे तो सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं, किसी में रखिए आंसर सेम आएगा। तो देखिए फर्स्ट में रख रहे हैं दोस्तों, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या कहता है, देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। चलिए 3 तो 3 दोस्तों, x तो x, माइनस तो माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे y का वैल्यू माइनस 5/13 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, जितना लिखा है 4। अब देखना है 3x माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों 25/13, क्योंकि ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 × 5 = 25 और अपॉन 13 इक्वल टू कितना दोस्तों 4। अब जरा करते हैं तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 4, ये प्लस है तो दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस में, और नंबर वही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। अब क्या करना है, इसके नीचे नंबर है, इसके नीचे नहीं है, तो ओवन दे देना है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे फिलहाल मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ, तो जरा देखिएगा
अब मुझे करना क्या है, यहाँ से रब कर रहे हैं, जरा समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3x इक्वल टू, देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अपॉन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन होगा, कैसा 13 और 1 का एलसीएम करना होगा तो 13 होगा दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, इससे इस एलसीएम में डिवाइड करना है, 1 से करेंगे तो 13 ही आएगा, 13 4 जा कितना होगा दोस्तों तो 52, माइनस 13 से 13 कैंसिल हो गया 1 टाइम, 1 into 25 तो 25 ही आएगा। अब जरा बात करते हैं दोस्तों, तो 3x इक्वल टू इसमें से घटाइए कितना बचेगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, इधर बात करेंगे तो ये बचा कितना 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 अपॉन 13, इस प्रकार से कर लेंगे। अब कुछ नहीं दोस्तों तो 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिएगा 3 में 13 से तो 39x इक्वल टू 27, इस प्रकार से करना है दोस्तों, x इक्वल टू 27 अपॉन 39। अब देखना कोई वैसा टेबल जिसमें दोनों आता है, तो 3 का 39 जा और 3 13, यानी कहा जाए तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 अपॉन 13, तो यहां लिखना होगा हेंस या देयरफॉर लिख सकते हैं दोस्तों, x इक्वल टू 9 अपॉन 13 एंड y इक्वल टू हो गया दोस्तों -5/13, यही हमारा फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।